देश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। आईटीबीपी के कार्यक्रम में अमित शाह ने चीन को ललकारते हुए कहा कि आईटीबीपी के रहते भारत चीन सीमा की चिंता नहीं है, किसी की मजाल नहीं कि एक इंच जमीन पर अतिक्रमण कर पाए। कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है, किसी की मजाल नहीं है कि भारत की एक इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी ने अपना फ्यूचर प्लान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी नेताओं के हमले से काफी फायदा मिला है, इससे हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। राहुल ने एसपी बीएसपी से सैद्धांतिक रिश्ता बताया। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पीएम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही होंगे। राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो आरएसएस बीजेपी को गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। 2024 में राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे और उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। त्रिपुरा विधानसभा में एक बार फिर से भगवा लहराने के लिए बीजेपी जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। 5 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 जनवरी को यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना का मनोबल काफी हाई है, हमारी सीमाएं हर तरफ से सुरक्षित हैं। राजनाथ ने कहा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, 68% हथियारों का निर्माण अब भारत में ही किया जाएगा, अब सारे बड़े टैंक गोले मिसाइल देश में ही बनेंगे। जम्मू कश्मीर में टेरर के खिलाफ सेना ने बड़ा एक्शन लिया। साल 2022 में सुरक्षा बलों ने 186 दहशतगर्दों को मार गिराया है, जिसमें 56 पाकिस्तानी आतंकी थे। सेना ने 156 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत से डीडीसीए की टीम ने मुलाकात की है। पंत से बातचीत के बाद एसोसिएशन के निदेशक श्याम शर्मा ने कहा पंत की हालत स्थिर है, अभी एयरलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तुनिशा केस के आरोपी शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शिजान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी अपना ईमेल आईडी और दूसरे पासवर्ड भी नहीं बता रहा है।